नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप दूसरे राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और सरकार ने जो स्पेशल ट्रेन चलाई उसमें आप सफर करके अपने घर आना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। ये वीडियो मैंने जम्मू कश्मीर प्रवासी मजदूरों के बारे में बनाया है। अगर आप दूसरे राज्यों में फंसे हैं तो किस तरह से आप जम्मू कश्मीर वापस आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप दिल्ली, लखनऊ या फिर किसी अन्य स्टेट में आप फंसे हैं तो किस तरह से आप जम्मू कश्मीर अपने घर वापस आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर कुछ जानकारी दी गई है, सारी चीजें यहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे फॉर्म फॉर मूवमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। नीचे आपको किस रिक्वायरमेंट दी गई है सारी चीजें यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप जिस जगह पे फंसे हुए हैं वो पूरा पता लिखेंगे। यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट करना है किस स्टेट में आप फंसे हैं। आप भारत के किसी भी स्टेट में फंसे हैं वो स्टेट यहाँ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आप अपने घर का यानी जम्मू कश्मीर का पूरा पता डालना है, यहाँ पर आपको बताना है जम्मू कश्मीर में आप किस जिले में है वो जिला यहाँ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको बताना है आप किस माध्यम से यात्रा करना चाहते हैं, आप बस द्वारा यात्रा करना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई पर्सनल गाड़ी है उससे यात्रा करना चाहते हो, आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको बताना है आप जिस जगह पर फंसे हैं या फिर जिस जगह पर रह रहे हैं वो रेड जोन एरिया में आता है या नहीं। अगर आपका एरिया रेड जोन में आता है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ बताना है क्या आपको क्वारंटीन किया गया है या नहीं। आपको अगर इससे पहले क्वारंटीन किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि आपके पास ग्रुप मेंबर है या फिर आप ग्रुप के हेड हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पूरी डिटेल फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप चाहे तो यहाँ सबमिट कर सकते हैं या फिर आपको लगता है कि आपने फॉर्म फिल करते समय कोई गलती की है तो बैक जा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करते ही ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।